हमारे संवाददाता अंकुर यादव की रिपोर्ट। आमरण अनशन रायसेन में, रायसेन जिले के बाड़ी तहसील में ग्राम चांदभर में गणपत सिंह चौहान आमरण अनशन पर बैठे। सीहोर जिले के नांदेर और सरदार नगर रेत में अवैध खनन के आ रहे डंपरों पर रोक लगाने की कर रहे हैं मांग। अनशनकर्ता गणपत सिंह चौहान का कहना है कि पिछले 4 साल में मेरे परिवार से 5 सदस्यों की मौत डंपर के एक्सीडेंट होने पर हुई है और वो भी विगत 28 फरवरी को ही गांव के 2 सदस्यों की मौत। सीहोर जिले के सरदार नगर रेत खदान से नादेर में अवैध रेत खदान के तेज रफ्तार से आ रहे रेत के अवैध डंपर को टकराने के कारण हुई है। अब तक नादेर और सरदार नगर में अवैध रेत खदान से आ रहे रेत के डंपरों की कार्रवाई नहीं की जाती और यह पूर्ण रूप से बंद नहीं हो जाते तब तक मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। कई लोगों की जान ये डंपर ले चुके हैं। वहीं गांव के ही दीपेश चौहान का कहना है कि हम इस आमरण अनशन को गांव के घर के अंदर ही बैठकर इसलिए कर रहे हैं ताकि यहां पर सुरक्षित रह सके। हमारे गांव में दहशत का इतना माहौल है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है जिसके चलते मुझे आमरण अनशन करना पड़ रहा है। मेरी मांग है कि मां नर्मदा का रेत खनन पूर्णतः प्रतिबंधित हो एवं ये रेत में मौत का खेल खेलने वाले दानवों का सरकार खुलासा करे। ये लोग कौन है जिनने मेरा पूरा परिवार तबाह कर दिया है एवं मेरी और मेरे परिवार की आर्थिक क्षतिपूर्ति की भरपाई सरकार सुनिश्चित करावे एवं कठोर कार्रवाई करें इन बदमाशों पर। मिली भगत से ये रेत परिवहन किया जा रहा है जिससे आए दिन लोगों की मौत हो रही है। प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता और अधिकारी लोगों के डंफर हैं बिना कागज, बिना लाइसेंस, बिना बीमे के चल रहे हैं जिस पर ना कानून कोई कार्रवाई करता है ना प्रशासन कोई कार्रवाई करता है। हम लोगों को इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। हम इंसाफ कर इस इंसाफ की मांग के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम अनशन करते रहेंगे। आप सागर से हमारे संवाददाता राम अवतार पटेल की रिपोर्ट। सागर नगर निगम 19-20 का बजट महापौर अभय दरे द्वारा निगम प्रशासन एवं पार्षद पत्रकार के समक्ष शहर के प्रमुख स्थानों पर सौंदर्यकरण के तहत सिविल लाइन चौराहे के दारू लेफ्ट कार्नर तैयार करने के संजय ड्राइव रूट पर पुल से कनेरा देव पुल तक नहर के किनारे चौड़ीकरण एवं मोती नगर थाने के पास शहर के आम नागरिकों को न्यूनतम दर पर शादी समारोह आदि मंगल कार्य करने हेतु मैरिज गार्डन निर्माण, खुरई बीना बस स्टैंड निर्माण कार्य, संजय ड्राइव निर्माण कार्य, मछली पालन विभाग को जगह से नगर निगम को दी गई है। उनमें बच्चों को खेलने एवं आमजनों के लिए पार्क बनाए जा रहे हैं, उसमें स्विमिंग पूल भी शामिल है। वहीं महापुरुषों की प्रतिमा लगाने पर लगभग 1 एकड़ में स्थापित की जाएगी। शहर में करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराने हेतु बजट पेश किया गया। वहीं कुछ जतारा से हमारे संवाददाता नीरज चौबे की रिपोर्ट। वाणिज्य मंत्री अजय सिंह राठौर ने नगर पंचायत जतारा में किया 1 करोड़ से अधिक की राशि के कामों का शिलान्यास। भाजपा छोड़ कांग्रेस का थामा, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दामन। आज जतारा में नगर पंचायत के प्रांगण में मध्य प्रदेश के यशस्वी वाणिज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एवं कमला नवीन शाह के राठौर जी के स्वागत किया। उन्होंने महात्मा गांधी एवं सरस्वती के चित्रों पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किए। इसके पश्चात ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने शिलान्यास किया, 1 करोड़ 80 लाख 60 हजार का शिलान्यास किया। नगर पंचायत की तरफ से नवीन